बैंकिंग ज्ञान केंद्र में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता पांडे और आज का हमारा सेशन है स्पेशल सेशन। जैसे कि हमारे सभी सेशन स्पेशल रहते हैं, आज का भी हमारा स्पेशल सेशन है ऑन ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स एटीएम्स, और ये इम्पोर्टेंट है फॉर कमिंग एग्जाम एज वेल एज हमारे नॉलेज के लिए भी काफी ज्यादा ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और आज के सेशन को हम पढ़ेंगे और पॉलिसी देखेंगे और इसके बाद हम काफी सारी चीजों को सीखेंगे। आई होप आप सभी पार्टिसिपेंट्स सेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और कोई एडिशनल नॉलेज आपको पता है इससे रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप माइक अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो फिर एक बार आप प्लीज चैट सेक्शन में परमिशन इस चीज की ले लीजिएगा, ताकि अदर पार्टिसिपेंट्स को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक, सो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफी बेस्ट चल रही होगी और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सब भी अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से चला रहे होंगे, और कहीं कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर उसे क्लियर करते जा रहे होंगे। तो आज के सेशन के लिए क्या आप सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं? एक बार चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, पुष्पेंद्र जी का मैसेज आ गया है, अविनाश जी का मैसेज आ चुका है। यस जी, ओके लोकेश सर, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम सेशन में देखेंगे कि सेशन को कंप्लीट करने के बाद हम क्या क्या नॉलेज गेन करने वाले हैं, हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, कौन सी चीजें हमारे नॉलेज को इंक्रीज करेंगी, और काफी सारे प्रोविजंस इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या ऑब्जेक्टिव है आज के इस सेशन का। तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप काफी सारी चीजों को समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहले जो डिफरेंट अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स हैं, अल्टरनेटिव मतलब बहुत तरह तरह के डिलीवरी चैनल्स हैं, उनको आप डिफाइन कर पाएंगे और डिस्क्राइब कर पाएंगे। एटीएम्स के काफी सारे मॉडल्स होते हैं, तो हम यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटीएम्स को भी समझेंगे, अंडरस्टैंड वेरियस मॉडल्स ऑफ एटीएम्स, और डिस्क्राइब करेंगे हम वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स को। ठीक, और इसी के आगे हम इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग देखेंगे, उनके क्या यूजेस हैं। वैसे तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को काफी अच्छे से पता होगा कि इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, मोबाइल बैंकिंग के क्या यूजेस हैं, बट आज के सेशन को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में समझेंगे और इसी के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनका यूज क्या होता है, हम उसे आज आइडेंटिफाई करेंगे देखेंगे। और कस्टमर प्रोटेक्शन कितना ज्यादा जरूरी है, कंप्लेंट रिड्रेसल अगर होती है तो क्या करना है, ये सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पर आते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती जा रही है, ग्रोथ का मतलब है कि आज की डेट में हर जगह टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, एरिया बैरियर नहीं है, रीजन बैरियर नहीं है, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, हमें सब जगह टेक्नोलॉजी मिलेगी। और इस वजह से जो पेमेंट सिस्टम है वो वर्ल्ड लेवल पर चेंज हो चुके हैं, जैसे कि पहले पास्ट डिकेड में हुआ करते थे, उससे काफी चेंज आज की डेट में हम देखते हैं। अगर एटीएम ना भी हो तो मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप घर बैठे चाहे कहीं भी हो, रूरल एरिया में अगर नेट काफी अच्छा है तो इसके थ्रू आप ऐसे एरिया में भी हैं जहां पर पहुंच पाना मुश्किल है, वहां से भी आप ट्रांजेक्शन इजिली कर सकते हैं। और कैश और नॉन कैश पेमेंट चैनल्स भी आज के टाइम में सबसे ज्यादा हो गए हैं। इवन आप जब भी कोई भी चीज को परचेस करने जाएंगे, आपसे डायरेक्ट सबसे पहले यही पूछा जाता है अगर आपने कोई भी चीज खरीद ली है तो, कि कैश पेमेंट होगा या नॉन कैश पेमेंट होगा। नॉन कैश में भी फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड्स, इस तरीके से काफी सारे पेमेंट्स अब होने लगे हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से नोट्स या कॉइन्स का फॉर्म चेंज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले क्या था, बैंकिंग जो एक तरीके से पेपर इंस्ट्रूमेंट आए, क्या चेक और क्रेडिट ट्रांसफर, है ना, उसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है वो, सर माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम बहुत पुराने जमाने में जाएं तो तब नोट या कॉइन का ट्रांजैक्शन चलता था कैश फॉर्म में। फिर कब चलता था? जब तक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आए थे। फिर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आ गए? तो चेक आया, क्रेडिट ट्रांसफर आने लगे, ये सारी चीजें डोमिनेट करने लगी पेमेंट सिस्टम्स को। अब नोट्स या कॉइन्स से ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता था, मतलब कि एक तरीके से कैश फॉर्म में नहीं था। अब ये चेक्स और क्रेडिट ट्रांसफर डोमिनेटिंग द पेमेंट सिस्टम्स, ये सबसे ज्यादा होने लगे। और ये जो है, ये तो एक तो हम ये देखेंगे कि पहले कैश फॉर्म चला, फिर चेक आया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारी चीजों को एक तरीके से कैश और नॉन कैश पेमेंट्स दोनों को इजी और एफिशिएंट बनाने लगी। अब इजीली हम पेमेंट कर सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन हुआ एटीएम्स का। आप बताना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में एटीएम का इंट्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ है? एटीएम कार्ड्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कौन से ईयर में आई है? ओके, नो इश्यू। तो देखिए यहाँ पर ही बताया गया, जिस तरीके से एटीएम्स, प्लास्टिक कार्ड और उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई वॉलेट्स, ये जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज आते गई, वैसे वैसे बैंकिंग कस्टमर्स को ये फैसिलिटी मिल गई कि एनी टाइम, एनी वेयर एंड एनी हाउ बैंकिंग। कोई भी समय में, कहीं भी और कैसे भी परिस्थिति में हो, आप बैंकिंग काफी अच्छे से कर सकते हैं। अब जो कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजीज थी, उसकी वजह से ये देखा गया एक तरीके से जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग से नहीं हो सकते थे, वो अब इजी होने लगे। अब बैंक्स क्या करने लगे? कस्टमाइज्ड अकाउंट्स प्रोवाइड करने लगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे फैसिलिटीज भी इंक्रीज होती गई। अब ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स क्या होते हैं? हाँ जैसे, हाँ प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के प्राइसेस कम होते गए और कम्युनिकेशन अच्छा होता गया, बैंक अब काफी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा है। पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में आप सभी अपने बैंक में ही देखते होंगे, तो मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे या आप कैसा पेमेंट चाहते हैं। इस तरीके से अब जैसे एटीएम्स हैं, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, कियोस्क है, पीओएस है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स हैं, ये सारी चीजें अब होने लगी हैं। हालांकि आपको ये सारा नॉलेज सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हमने पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं। अब ये जो इनोवेशंस हैं, इन्होंने बैंक के ज्योग्राफिकल एरिया को बढ़ा दिया। जैसे अब जहां पर बैंक सेटअप नहीं हो सकते हैं, वहां ऑनलाइन तरीके से बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लगे। और इस वजह से क्या होगा, जैसे ये बैंक की फैसिलिटीज सभी एरिया में हो जाएगी, तो बैंक के कस्टमर बेस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सब भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक। दिस हैज लेड टू सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइडिंग बैंकिंग इन द अनबैंक्ड एरिया। अब सबसे पहले तो मैं आपको सस्टेनेबल का मतलब बताना चाहूंगी। क्या आप सभी को सस्टेनेबल का मीनिंग पता है? यस और नो, नो भी बता सकते हैं आप। ओके, देखिए सस्टेनेबल का मतलब होता है या सस्टेन करना, कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक चलना। जैसे आज की डेट में हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट सुनते हैं, प्रकृति से संबंधित कहते हैं ना सस्टेनेबल। इसका मतलब ये है कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का इस तरीके से हम उपयोग करें, ऐसे यूज करें कि वो आज के समय में हमारी भी नीड्स को फुलफिल करे और इसी के साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है, आने वाली जनरेशन जो है, उन्हें भी वो चीज मिल सके। जैसे प्रकृति है, प्रकृति अगर अच्छी रहेगी तो आज की डेट में हमें अच्छी ऑक्सीजन दे रही है, आगे चलकर हमें इसका उपयोग ऐसे करना है, मतलब इसको नुकसान नहीं पहुंचाए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी एक अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। तो ये होता है एक तरीके से सस्टेनेबल। ठीक। यहाँ पे सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि मान लीजिए बैंक ग्रामीण क्षेत्र में चला गया, वहां पे फैसिलिटीज दे रहा है, तो अब
काफी ज्यादा कस्टमर बेस और ट्रांजेक्शन बढ़ने की वजह से सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, मतलब हमने काफी ज्यादा ज्यादा क्षेत्र को अब फाइनेंस प्रोवाइड किया है, और अनबैंक्ड एरियाज जहां पर बैंक नहीं है वहां भी हम काफी लंबे समय तक अब सभी को फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये सारे इनोवेशंस और ये जो सक्सेस है ये किस वजह से है, तो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इनिशिएटिव्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स ने इसको इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे करके ये इनोवेशंस को बढ़ते गए और हमें सक्सेस मिलती गई। ठीक, उसके बाद बताए गए हैं कुछ अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स एंड सम पॉपुलर अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स, जैसे एटीएम्स, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई वॉलेट्स, एम वॉलेट्स, मनी वॉलेट्स जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से ये ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स हैं। प्रीपेड कार्ड, बल्क नोट एक्सेप्टर्स, BNAS का फुल फॉर्म है बल्क नोट एक्सेप्टर्स, CDM कैश डिपॉजिट मशीन्स, पासबुक प्रिंटर्स, ई कियोस्क, मोबाइल ब्रांचेस, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। और इसी चैप्टर में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एटीएम का यूज किया जाता था कैश विड्रॉ करने के लिए या कैश या चेक डिपॉजिट करने के लिए, जिसमें हम एटीएम या एटीएम कम डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स ये सब यूज करते थे, एटीएम सेटअप करते थे इन इंडिया इंडिया में। ये मशीन्स एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, प्रीपेड कार्ड्स इस तरीके से हमें प्रोवाइड की जाती थी। और यहाँ पर एक कमेटी थी डॉक्टर सी रंगराजन, उन्होंने कहा कि ये जो मशीन है इसे हॉस्पिटल्स में भी लगाई जाए, इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स में भी लगाई जाए और बैंक ब्रांचेस में भी हो, ताकि कस्टमर्स इनको काफी अच्छे से यूज कर सके। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कौन सी कमेटी ने समिति ने रिकमेंडेशन दी थी कि एटीएम मशीन्स को और जगह भी लॉन्च किया जाए, सेटअप किया जाए, तो हमें याद रखना है डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक, अब जो स्टैंड अलोन एटीएम्स हुआ करते थे ये इंडिया में 1990s के टाइम पर आए, और एटीएम्स के लिए क्या किया जाता था ये तो इजीली हमको पता ही है कि एटीएम कार्ड प्रोवाइड करे जाते थे जिसमें पिन नंबर होता था, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसको कस्टमर कभी भी चेंज कर सकता था। तो ये 1990s की बात है, जब भी कस्टमर परफॉर्म करता था कोई भी फंक्शन को तो उसे पिन एंटर हाँ करना पड़ता था। जैसे कि आज की डेट में भी हम मनी विड्रॉल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पिन नंबर उसमें इनपुट करना पड़ता है। एटीएम स्विच के द्वारा इसे वैलिडेट किया जाता था और उसके बाद ट्रांजैक्शन होता था। इस पिन को सीक्रेट रखा जाता था और आज की डेट में भी सीक्रेट रखा जाता है, ताकि मिसयूज या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस ना हो किसी भी तरीके के। एटीएम 24/7 एक्सेस अवेलेबिलिटी है और लेस टाइम फॉर ट्रांजेक्शन, क्योंकि लेस क्यू लाइन इसमें कम लगती है, तो इस वजह से क्या होता है, हालांकि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे सबसे ज्यादा लाइन लगी हुई थी, बट स्टिल ये कहा गया कि ट्रांजेक्शन्स में इतना टाइम नहीं लगता है, प्राइवेसी होती है और ये कहीं भी इनेबल्ड हम इसे कर सकते हैं, मतलब कहीं भी हम इसकी सेवा ले सकते हैं जहां कहीं भी एटीएम है। फॉरेन टूरिस्ट भी अपने इंटरनेशनल मेस्ट्रो वीजा कार्ड यूज करके इसके थ्रू पेमेंट निकाल सकते हैं या एक तरीके से कैश डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। एटीएम में कैश निकालने के अलावा चेक डिपॉजिट क्लियर करना, बैलेंस इंक्वायरी देखना, चेक बुक रिक्विजिशन, रीसेंट ट्रांजेक्शन क्या किए हैं, बिल पेमेंट्स की यूटिलिटी क्या है, एक्सेट्रा, इस तरीके से तरह तरह से एटीएम से हम हेल्प ले सकते हैं। अब आपको पता है कि एटीएम, मान लीजिए किसी बैंक को एक शाखा स्थापित करनी है और एक जगह एटीएम, तो जो बैंक की शाखा है उससे कम पैसे में एटीएम की कॉस्ट लगती है एटीएम को सेटअप करने के लिए। ठीक, और जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट लगता है वो भी बहुत कम होता है। अगर रूटीन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एटीएम से तो यहाँ से और प्रोडक्टिव वर्क बैंक स्टाफ करता है, रिलीव्स करता है। एटीएम एक क्रूशियल टच पॉइंट है क्रॉस सेलिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स के लिए। बैंक एक तरीके से ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं
और एक मीडियम ऑफ फॉर पब्लिसिटी ऑफ द बैंक हो जाती है। कैश हैंडल करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है इसमें, आप एटीएम कार्ड लिए हुए हैं तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी। अब एटीएम के कुछ मॉडल्स हम पढ़ते हैं इंडिया में, इन इंडिया, भारत में, तो सबसे पहले ऑनलाइन था। जब एटीएम कनेक्ट किया गया बैंक डेटाबेस से और ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करने लगे एक कस्टमर अकाउंट को, तो ये कहा गया ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या होगा आप ही बताइए, कि एटीएम को क्या कर दिया, बैंक के डेटा से कनेक्ट कर दिया और अब कस्टमर ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली डेली विड्रॉल लिमिट सेट की जाती है हर एक बैंक के द्वारा, जैसे कि हम जानते हैं कि एक दिन में हम इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और ये लिमिट एटीएम स्विच के थ्रू मॉनिटर्स की जाती है। अब ऑफलाइन क्या था, तो जब एटीएम बैंक के डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं थे तो इसे ऑफलाइन कहा जाता था, और जब बैंक के डेटाबेस से कनेक्ट हो गए तो इसे ऑनलाइन कहा जाने लगा। अब ऑफलाइन में क्या होता था, प्री फिक्स्ड लिमिट होती थी, ठीक है, परमिटेड अप टू अ प्री फिक्स्ड लिमिट ओनली इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैलेंस अवेलेबल इन कस्टमर्स अकाउंट्स। कितना भी बैलेंस अवेलेबल हो कस्टमर के अकाउंट में, लेकिन एक लिमिट पहले से फिक्स्ड की गई थी और उतना ही आप विड्रॉ कर सकते थे। फिर तीसरा मॉडल हम बात करेंगे नेटवर्क की। तो नेटवर्क में बताया गया है, जब एटीएम को एटीएम नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया तो इन्हें नेटवर्क कहने लगे। नेटवर्क एटीएम का एडवांटेज ये था कि मान लीजिए एक एटीएम है और उसके 10 एटीएम नेटवर्क बना दिए गए, तो अब ये एडवांटेज था कि जिसके पास भी कार्ड है, कार्ड होल्डर्स जो है, तो कार्ड होल्डर्स एटीएम कार्ड से किसी भी नेटवर्क एटीएम से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग ये हमें प्रोवाइड करते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा एटीएम जो नेटवर्क किए जाते हैं वो एनएफएस से करे जाते हैं। एनएफएस मतलब नेशनल फाइनेंस स्विच, और इसको ऑपरेट कौन करता है, तो इसको ऑपरेट करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NPCI। अब एक है कैश डिस्पेंसर। कैश डिस्पेंसर एक वर्जन है एटीएम का ही, ये एक तरीके से ये ऐसा एटीएम है, इसमें बताया गया है मतलब ये कैसी हमें सेवा देता है। तो सीडी इज एन एटीएम विदाउट अ डिपॉजिटरी एंड इंटेंडेड टू सर्व द कस्टमर्स फॉर मेकिंग कैश विड्रॉल्स ओनली, एक तरीके से कैश विड्रॉल्स के लिए इसको रखा गया है। नेटवर्किंग ऑफ एटीएम्स अगर हम समझना चाहें, तो इन्वेस्टमेंट जो एक तरीके से एटीएम में किया जा रहा था, तो बैंक क्या कर रहे थे, स्मॉल क्लस्टर्स को लेकर आ रहे थे। इतना ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक चीज बस हमें ये ध्यान रखनी है कि एक क्लस्टर्स होते हैं, पहले नेटवर्क हुआ, अब नेटवर्क जगह जगह हो गए तो वो क्लस्टर्स हो गए। एक IBA है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये पहला संगठन था जिसने SPNS सेटअप किया। SPNS क्या था, शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम, या स्वधान नेटवर्क ऑफ ATMs ऑफ इट्स मेंबर बैंक्स इन मुंबई। एक सेकेंड, हाँ। अब ये नेटवर्क की जो हम बात कर रहे हैं, ये आया 1 फरवरी 1997 की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव था स्वधान नेटवर्क का, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये चाहते थे कि 24 आवर्स और 7 डेज अ वीक हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर को दें जो मुंबई के मतलब सिटी ऑफ मुंबई में कहीं भी रह रहे हो, उन्हें ट्रांजेक्शन कहीं भी कर सकते थे यहाँ के कस्टमर्स, और जो भी आसपास थे, वो मुंबई के आसपास सिटी के जो भी लोग थे वो भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे। अब यहां से स्टार्ट की एक नेशनल फाइनेंस स्विच, जो अभी हमने NFS पढ़ा, NPCI के थ्रू जो ऑपरेट की जाती है। IDBRT ने भी काफी ज्यादा एटीएम स्विच सर्विसेज प्रोवाइड किए इंडिया में थ्रू NFS। अब हमें इम्पोर्टेंट जो है, हमसे जो पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जाएगा कि NPCI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसने NFS को चलाया RDRBT के थ्रू 14 दिसंबर 2009 से। और यहां से काफी और ज्यादा कन्वीनियंस हो गया सेल्फ सर्विस चैनल्स में। अगर हम इंडिया की सिचुएशन की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की अपनी ब्रांचेस को नेटवर्क में लेकर आके, मतलब सारी ब्रांचेस को नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया।
दे आर कस्टमर्स आर एक्सपीरियंसिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम बींग अ ब्रांच कस्टमर टू अ बैंक कस्टमर ड्यू टू कोर बैंकिंग सॉल्यूशन. अब ये जो कस्टमर हैं भले ही ब्रांच पर जा रहे हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतने अच्छे से कर दिया जा रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम मेन ब्रांच में ही हैं. एटीएम यूज करने के भी काफी सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए जो इंडिया में है, इंडिया की कंपोनेंट बन चुका है रिटेल रिटेल चैनल स्ट्रेटेजी का, जो बैंक एडॉप्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड. एटीएम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट इंक्वायरी, पिन चार्ज, कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट, चेक बुक रिक्वेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, रिचार्ज टॉप अप ऑफ मोबाइल, डीटीएच तक ये प्रोवाइड करता है. टर्म डिपॉजिट ओपनिंग, यूजर डिटेल अपडेशन, आधार अपडेशन. अब हम पढ़ेंगे एटीएम कस्टमर इंटरफेस. तो कस्टमर इंटरफेस में क्या क्या कंपोनेंट प्रोवाइड करता है एटीएम? तो वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर आता है, हम सभी जानते हैं, कीबोर्ड या कीपैड होता है, और टच स्क्रीन भी रहता है. एटीएम में बहुत सारे स्लॉट होते हैं, देखा होगा आप सभी ने, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कार्ड रीडर, कार्ड डिस्पेंसर, एनवेलप डिस्पेंसर, डिपॉजिट स्लॉट. अब हम पढ़ेंगे व्हाइट लेवल एटीएम थम्स, WLA थम्स इसे कहते हैं. एटीएम्स जिन्हें नॉन बैंक के द्वारा सेटअप किया जाता है, ओन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, इसे हम कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम्स. मतलब कि नॉन बैंक, यहाँ पे बैंक ने जिस एटीएम को सेटअप नहीं किया है वो व्हाइट लेवल एटीएम्स थम्स हो जाते हैं. 1 जनवरी 2022 से 4 नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स आए हैं, जिसमें सबसे पहले है इंडियन पेमेंट्स, जिसे पहले BTI पेमेंट कहते थे, और दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन. अब हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड वेक्रिंज. उसके बाद अगर हम देखें देखिए अब हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड वेक्रिंज, अदर लाइसेंसेस जो इशू किए जाते थे या कैंसल्ड हो जाते हैं, तो इन्हें क्या करते हैं, ये इंस्टॉल करते हैं या ऑपरेट करते हैं WLAS. तो क्लियर हुआ WLAS क्या है, नॉन बैंक के द्वारा एटीएम सेटअप किए जाते हैं. फिर एक एक्ट है, एक अधिनियम है, जिसे हम कहते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट. 2007 में ये RBI लेकर आई. RBI ने रिलीज की पहली गाइडलाइन जून 2012 में व्हाइट लेवल एटीएम्स के लिए, और बैंकिंग सर्विसेज कंट्री में और एक्सपेंड की और बढ़ा दी. ठीक, जो व्हाइट लेवल एटीएम्स हैं वो किसी भी बैंक के ब्रांडिंग या सिग्नेज नहीं डिस्प्ले करते हैं, इसलिए उन्हें व्हाइट लेवल कहा जाता है, क्योंकि नॉन बैंक है तो फिर किसी भी बैंक के बारे में क्यों ही बताएंगे. ठीक है, सारे बैंक कस्टमर्स, मान लीजिए SBI का भी कस्टमर है, BUPB का है, पंजाब नेशनल बैंक का, इस तरीके से जो भी बैंक है उन सभी कस्टमर्स को WLA सर्व करता है और इंटरनेट और इंटरकनेक्ट करता है इस पूरे एटीएम नेटवर्क को इन द कंट्री. किसी भी बैंक के कस्टमर ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं WLAS के थ्रू, जिसे हम नॉन होम बैंक एटीएम से भी कंपेयर करते हैं. अब ये इनिशिएटिव क्यों लेकर आए, सभी बैंक तो सेटअप कर ही रहे थे ना एटीएम, बट ये इनिशिएटिव लेकर आए, और उसका रीजन था कि पूरी कंट्री को हम फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छे से प्रोवाइड कर सकें और एटीएम पेनिट्रेशन ना हो, Tier 1 to Tier 6 सिटीज तक, टाउन्स विलेजेस कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो. नॉन बैंक एंटिटीज जो होती हैं उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो RBI ने ही ऑथराइज किए हैं. यहाँ पे बताया गया है जो नॉन बैंक एंटिटी हैं उनके पास फ्रीडम है कि लोकेशन वो चूज कर लें कि कहाँ पर उन्हें WLA को सेटअप करना है. एनुअल टारगेट्स और रेशो भी होते हैं Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 6 सेंटर्स पर भी, बट यहाँ पर इन्हें ये RBI सारी चीजें बताता है. जो कार्ड्स बैंक के द्वारा इशू किए गए हैं एंड कार्ड्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन जो RBI ने अप्रूव किए हैं, सिर्फ यही दो कार्ड्स WLAS के थ्रू एक तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. ठीक, और यहाँ पे एक चीज बताई गई है, एक बार फिर से समझिएगा, सिर्फ वही कार्ड जो बैंक ने इशू किए हैं या अगर किसी और इंस्टीट्यूशन के हैं, कोई और संस्थान के हैं लेकिन RBI ने अप्रूव किए हैं, तो इन्हीं को परमिशन देता है WLAS.
अब डिपॉजिट, अगर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हैं WLA साइट पर इन द इनटू द अकाउंट ऑफ द WLA ऑपरेटर और इन एनी अदर अकाउंट इंडिकेटेड बाय इट शैल नॉट बी परमिटेड, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इस तरीके से परमिट नहीं किया जाता है। जो WLA ऑपरेटर है ये एक्वायरर रहेंगे पूरे ट्रांजेक्शन के लिए एट दी WLA एंड अर्न हिज फी अकॉर्डिंगली, और जैसे कि ये एक्वायरर हैं तो इन्हें फीस भी दी जाएगी। ठीक, एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं WLA ऑपरेटर एडवर्टाइजमेंट करके या वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करके। और जैसे कि WLA पे जो एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं तो इसे कहा जाता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI कोड्स एंड अदर रेगुलेशंस। तो WLA क्या होते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बैंक या नॉन बैंक के थ्रू सेटअप किए जाते हैं बताइएगा प्लीज, कौन सेटअप करता है WLA, बैंक या नॉन बैंक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नॉन बैंक। ठीक है, ओके। देखिए काफी सारी थ्योरी है, इतना ज्यादा हमें रीड करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है बस उसको हम ध्यान देते हुए चलते हैं। जी बिल्कुल सर, नॉन बैंक इसे सेटअप करते हैं, और जो नॉन ये नॉन बैंक ओन्ड ATMs हैं इस वजह से 5 फीट फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 1 मंथ में 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी और बैंक के ATM को यूज अगर करते हैं। फॉर यूजिंग अदर बैंक ATMs वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शन अफेक्टेड ऑन दी WLAs। एक बार फिर से समझिएगा, WLAs आर नॉन बैंक ओन्ड ATMs एंड हेंस द गाइडलाइंस ऑन 5 फ्री ट्रांजेक्शन इन द मंथ फॉर यूजिंग अदर बैंक ATMs वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शन इफेक्टेड ऑन दी WLAs। तो यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन के लिए नहीं दिया गया ऐसा बताया गया है, और WLA पे इस ट्रांजेक्शन का कुछ इफेक्ट होता नहीं है। जो चार्जेस लगते हैं वो कस्टमर, मान लीजिए कस्टमर गया WLA से ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो कस्टमर को पहले ही चार्जेस बता दिए जाएंगे स्क्रीन पर कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इतना चार्ज आपको लगेगा। ठीक, कोई अदर फी भी इनमें नहीं रहती है जैसे कि इशूअर बैंक अदर देन इंटरचेंज फी पेबल टू एक्वायरर। यहाँ पे अदर फीस के बारे में इस तरीके से कुछ बताया नहीं गया है, और WLA ऑपरेटर जो है कोई भी फी कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे ATM रिसोर्सेज अगर वो यूज कर रहे हैं तो। इस तरीके से काफी सारी जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं और यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स हमको बताए गए हैं। अब एक ब्राउन लेबल ATM होता है, ब्राउन लेबल ATMs वो होते हैं जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब ATM वेयर अ सर्विस प्रोवाइडर ओन्स द हार्डवेयर एंड लीज द ATM टू बैंक्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि व्हाइट लेवल तो हमने पढ़ लिया समझ लिया, बट ब्राउन लेवल क्या होते हैं? तो ब्राउन लेवल हमें बता रहे हैं कि ब्राउन लेवल ATMs वो ATM होते हैं जहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास हार्डवेयर तो रहेगा लेकिन बैंक को ये ATM लीज कर देंगे, एक तरीके से लीज पर दे दिया जाएगा। कैश मैनेजमेंट और जो कनेक्टिविटी है बैंकिंग नेटवर्क्स की, ये स्पॉन्सर बैंक की जिम्मेदारी होगी हुज ब्रांड इज यूज ऑन द ATM। मतलब यहाँ पर जिस बैंक को लीज पर दिया गया है ATM वही कैश मैनेजमेंट करेगा, वही बैंकिंग नेटवर्क की कनेक्टिविटी देखेगा, और हर एक चीज के लिए स्पॉन्सर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी जिसे जो ATM यूज कर रहा है। मतलब अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जिम्मेदारी लेते हैं कि ATM के मेंटेनेंस हम रखेंगे। और देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक बैंक है। सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ ATM मेंटेन करेंगे लेकिन स्पॉन्सर बैंक कैश मैनेजमेंट करेगा, ATM से कनेक्टिविटी रखेगा बैंकिंग नेटवर्क की, और कनेक्टिविटी ऑफ ATM टू द बैंकिंग नेटवर्क वाइस वर्सा यहाँ पर रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर ओन बैंक ऑपरेटेड। जी सर, अब एक होता है फ्यूचर पर, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स ऑफ ATMs। क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं ATMs के? अभी हमने पढ़े एक तो ATM होता है, एक वाइट लेवल होता है जो नॉन बैंक के द्वारा है, एक ब्राउन लेवल है। अब बताया गया है कि RBI ने, रिजर्व बैंक ने इंस्ट्रक्ट किया है 2015, अगस्त 2015 में, कि जितने भी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स हैं उन्हें रिप्लेस कर दें यूरो पे मास्टर कार्ड एंड वीजा से, जिसे हम कहते हैं EMV। ठीक, चिप एंड पिन बेस्ड कार्ड्स बाय एंड ऑफ दिसंबर 2018। ये बताया गया था कि मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स को EMV से रिप्लेस कर दिया जाए। फिर मई 2016 में कहा गया
ईएमवी चिप सभी को मतलब बेस्ड प्रोसेसिंग रखें टू एटीएम्स एंड एट एटीएम्स माइक्रो एटीएम्स। तो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स को रिप्लेस किया गया। अब क्यों हटाए गए मैग्नेटिक कार्ड्स, अगर लेकर आए थे तो क्यों कह दिया गया कि इसे रिप्लेस कर दीजिए? तो उसका कारण ये था कि कार्ड ट्रांजेक्शन में और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी हो सके, सिक्योरिटी हो सके। और यहां से देखा गया कि काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स को रिप्लेस करके। एटीएम माइक्रो एटीएम भी प्रोसेसिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहे ईएमवी चिप ट्रांजेक्शन में। एक सेकेंड, अब एटीएम्स की सर्विसेज हमने देखी, जैसे कि तो कार्डलेस कैश विड्रॉल हम करते हैं, स्मार्टफोन यूज करके हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं, मल्टी करेंसी कैश डिस्पेंसिंग, लोन रीपेमेंट, बिल पे, टिकट डिस्पेंसिंग, अकाउंट ओपनिंग, ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं। अकाउंट भी इवन हम ओपन कर सकते हैं। आज की डेट में बैंक कस्टमर्स इजीली क्या कर रहे हैं, और बहुत तेजी से अपने मोबाइल फोन्स को कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को रूटीन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। एटीएम ऑपरेशंस, स्मार्टफोन और ऑनलाइन बैंकिंग, पीपीआईज ने इन सभी ने एटीएम्स की जगह ले ली है। एटीएम को यहाँ पर कहा गया है कि सीआरएम सिस्टम से इंटरफेस्ड कर दिया जाए बैंक की, ताकि पर्सनलाइज्ड मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएं और सीजनल और लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग पर हम ध्यान दें। और इस तरीके की इम्प्रूवमेंट एटीएम को और ज्यादा कंप्लीट ऑटोमेटेड बैंक ब्रांचेस की तरह बनाते हैं। हाउएवर, एटीएम कभी कभी ऐसा लगता है कि और ज्यादा इनोवेटिव सर्विसेज दें और एक ब्रांच बन जाए बॉक्स ओवर टाइम में पूरी तरीके से। मतलब ये नहीं हो कि बैंक के लिए शाखा बनानी पड़ रही है, अगर एटीएम में ही इतनी सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी तो और जगह ब्रांच ना सेटअप करते हुए हम एटीएम सेटअप कर सकते हैं, और एटीएम की कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं लगती है एज कम्पेयर टू ब्रांचेस। बट यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये चीज ठीक नहीं रहेगी। खैर, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी बट कहीं ना कहीं तक एम्प्लॉयमेंट, जो आज की डेट में एक ब्रांच सेटअप होती है तो काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, बट जैसे ही एटीएम सेटअप होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या लगता है आप सभी को कि एटीएम, अगर ब्रांच की जगह एटीएम सेटअप कर दिए जाए, स्टार्ट हो चुका है, और इस तरीके से अगर सर सब जगह एटीएम ही सेटअप हो जाए, ब्रांचेस ना हो, तो क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा ज्यादा से ज्यादा, जो आज की डेट में जिस तरीके से मिलता है? क्या कहते हैं पुष्पेंद्र सर, बताइए आप। अगर इस तरीके से एटीएम सेटअप कर दिए जाए हर जगह, तो क्या एम्प्लॉयमेंट, क्या रोजगारी इतनी ज्यादा मिलेगी सभी को, या इसका कोई और अल्टरनेट निकाला जाएगा? यस और नो में भी आप सर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का टाइप चेंज हो जाएगा? जी सर बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट का टाइप तो चेंज हो जाएगा, बट इस चल जैसे कि एक ब्रांच में लगभग आप बताइए कि 20 to 25% तो रहते ही होंगे मिनिमम, या 10 to 15 भी, जी 50% है ना, तो वो 50% तो एम्प्लॉयमेंट पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा काफी ज्यादा। अब कैश रिसाइकलर्स हमको बताया गया है, एक होता है कैश रिसाइकलर, ये सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है, और ये क्या करता है, एक बार डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं हम कैश को, कस्टमर का अकाउंट इमिडिएटली क्रेडिट हो जाता है या डेबिट हो जाता है रियल टाइम में ऑन अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाती है कि ट्रांजेक्शन हो चुका है, इस चीज को कंफर्मिंग देने के लिए, कंफर्म करने के लिए। ट्रांजेक्शन हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं कैश विड्रॉल के लिए, और रिसिप्ट के लिए एक अपडेटेड अकाउंट बैलेंस के साथ हम काम कर सकते हैं। कैश रिसाइकलर्स हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो ये कैश एक्सेप्ट भी कर लेता है और डिस्पेंस भी कर देता है, मतलब रिसिप्ट भी हो जाएगा और पे भी कर देगा। करेंसी जीनियनेस यहाँ पर इंश्योर की जाएगी, काउंटरफीट नोट्स रिकॉग्नाइज्ड किए जाएंगे, कैश डिपॉजिट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा मॉडल है एटीएम का जिसके थ्रू हम डेबिट कार्ड से भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे कैश रिसाइकलर्स। और कार्डलेस ट्रांजेक्शन हो सकता है 20,000 तक का पर डे। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो ज्यादा से ज्यादा बैंक एटीएम्स को एक तरीके से ऐसे बनाते जा रहे हैं कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दे, कैश रियूज कर दे डिस्पेंसिंग के लिए,
और एक साइजेबल परसेंटेज हो जाएगा वर्ल्ड एटीएम का, तो कैश रिसाइकलिंग होती जाएगी। कैश रिसाइकलिंग क्यों की जा रही है? तो इसलिए की जा रही है ताकि जो कैश मैनेजमेंट कॉस्ट है बैंक के लिए वो कम हो जाए और एटीएम यूजर्स को काफी अच्छी फंक्शनैलिटी के साथ वैल्यूएबल फंक्शनैलिटी दे सके। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब परहैप्स दी मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ कैश रिसाइकलर्स अगर हम देखें, मतलब सबसे अच्छा बेस्ट क्या है कैश रिसाइकलर्स में, तो वो ये है कि वो डैमेज को सॉर्ट आउट कर देता है सॉइल्ड या फिर काउंटर फीट नोट्स को। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि काउंटर फीट नोट्स को कौन सॉर्ट कर देता है, कौन बता देता है, तो वो कैश रिसाइकलर्स हमको बता सकता है। अब जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि चेक्स आए, उसके बाद एटीएम्स आए, फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, आज मैंने देखा आप लोगों के साथ कि कैश रिसाइकलर आ गया है, WLA है, ब्राउन लेवल एटीएम्स हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके काफी ज्यादा मशीन्स डिप्लॉयड होती जाएंगी, करेंसी का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी, और यहाँ से आरबीआई को हेल्प मिलेगी कि फ्रेश बैंक नोट्स को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सके, स्टेडी सप्लाई हो सके और क्लीन नीट नोट पॉलिसी के तहत। ठीक, तो इस तरीके से ये थे हमारे मॉडल्स कुछ एटीएम्स के जो आज हमने डिस्कस किए। आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको काफी अच्छे से ये याद हो जाएंगे। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आज का हमारा शुभ विचार है, जीवन में अगर शांति चाहते हो तो जब कुछ छिन जाए उसके लिए शोर मत करना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।